प्रदेश सरकार अवैध कच्ची शराब बेचने वालों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून ला रही है। अवैध शराब माफियाओं पर पुलिस और प्रशासन भी शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में पनागर और ग्वारीघाट थाना क्षेत्रों में क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की। पुलिस ने 140 लीटर जहरीली, 66 लीटर कच्ची शराब और 2000 लीटर लाहन बरामद किया है। प्रदेश में अवैध कच्ची और जहरीली शराब बेचने वालों पर पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रदेश सरकार कच्ची और जहरीली शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध सख्त कानून ला रही है। इसी कड़ी में पनागर और ग्वारीघाट थाना पुलिस ने क्राइम ब्रांच के सहयोग से अवैध कच्ची और जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की। पनागर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बिछुआ में ईंट भट्टे के पास और नहर किनारे छापा मारा, जहां भट्टियों में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर दो जरीकेनों में रखी गई 40-40 लीटर कच्ची शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। मौके से ग्राम पडरिया कुंडा मोहनी निवासी भूस्तिन परस्ते को गिरफ्तार किया। कार्यवाही के दौरान नहर के पास 200 लीटर के 10 ड्रमों में भारी मात्रा में लाहन जब्त किया गया, जिसे नष्ट करने की कार्यवाही की गई। मौके पर पुलिस ने 60 लीटर कच्ची शराब जब्त करते हुए बिछुआ निवासी भूरा यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं ग्वारीघाट पुलिस ने भी भटौली काली मंदिर मोड़ पर दबिश देकर मोटरसाइकिल में अवैध रूप से कच्ची शराब लेकर आ रहे दो युवकों में से एक युवक साहिल चौधरी को गिरफ्तार किया। इससे 66 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। इस कार्यवाही के दौरान इसका एक साथी तुषार बेन भागने में सफल हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है।